और स्पीयर अपने कब्जे में लेते ही माइस्ट्रो बौखला उठता है, लेकिन सेंट्री और बाकी कंटेस्टेंट की वजह से वो वहां से हिल नहीं पाता। यहाँ पर स्पीयर की ताकत धीरे धीरे आउटला को कमजोर करने लगी थी। तब स्टिक उसे बताता है कि तुम्हें और ज्यादा चाहना होगा, जितना तुम चाहोगे उतना ही ये स्पीयर पूरा करता जाएगा। माइस्ट्रो की चाहत थी कि हल्क कॉस्मोस में निकल कर अपनी एक खुद की पहचान बनाए, तो तुम्हारी चाहत इससे भी कई बढ़कर होनी चाहिए। तब हाइजेंस अपने पुराने दिन याद करने लगता है जब वो पनिशर था, और आखिरकार वो अपने फैसले पर पहुंच जाता है और वो कहता है, मैं यही चाहता हूँ कि ये सब पहले जैसा ठीक हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं किलर ना बनूं, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने बिल्ली के पास। और अगर ये इविल थिंग है तो मैं यही चाहता हूँ कि ये इविल थिंग हो। मैं चाहता हूँ कि अब कुछ ना हो। मैं चाहता हूँ कि कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन खत्म हो जाए। और इतना कहते ही कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तभी माइस्ट्रो एक जगह पर उठता है और कोई आवाज उसे कहती है, ये प्रिजन सेल है या फिर एक डिस्प्ले केस जो कि श्रीलन सुपरनोवा ग्लास से बनी हुई है, जो कि तुम्हें भी कैद रख सकती है। और ये आवाज थी कलेक्टर की, जो कहता है, तुम सही थे कि मुझे अपने घर में कई बेहतर चीजें रखने का शौक है, कलेक्ट करने का शौक है, और अब तुम पूरी जिंदगी इस डिस्प्ले केस में सड़ोगे। और पनिशर और ग्रैंड मास्टर दोनों ही वहां से अपनी ड्रिंक एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं, और माइस्ट्रो बेचारा अपने उस केस में चिल्ला रहा था कि मुझे बाहर निकालो। आगे पूछने पर बैटल वर्ल्ड के बारे में हाइजेंस बताता है, बैटल वर्ल्ड अभी भी आइजो 8 के कवर में है, जहां पर उसे वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और डजन्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशन के बीच में वो अभी भी है। इसी वजह से सेंट्री के साथ कुछ सिविल वॉरियर्स वहां पर रुक गए बैड गाइज को रोकने के लिए, और मानो ना मानो लेकिन वो लोग हर रोज एक गुड फाइट एंजॉय करते हैं। वो ऑफिसर आगे पूछता है, तो मिस्टर हाइजेंस तुम्हारे बारे में क्या, क्या तुम सुपर हीरो गेम्स में फिर से आ गए? तब वो कहता है, हाँ भी और ना भी, क्योंकि अब मैं अपना कॉस्ट्यूम भी चेंज कर चुका हूँ। और वो ऑफिसर कहता है, ऑफ कोर्स, तुम अगर नॉन लिथल एमो के साथ कुछ करोगे तो वो विजिलेंटिज्म नहीं होगा। तब आउटलॉ कहता है, शायद नॉर्थ यॉर्कशायर को सुपर हीरो टीम की जरूरत पड़े। तब ग्लोडिन कहती है, या फिर पूरे यूरोप को। तब व्हाइट फॉक्स कहती है, सिर्फ यूरोप को। और वहीं पर एरिस बताता है, और इस वजह से जब मैं अपने सन को इलिजियम में देखूंगा तो मैं इस दुनिया के बारे में कई सारी स्टोरीज उसे बता पाऊंगा। तब स्टिक कहता है, ये दुनिया तो बैटल वर्ल्ड से कहीं बेहतर है। और अपना ग्लास अपने हाथों में उठाते हुए वो कहता है, तो दोस्तों दो शब्द इस सब के लिए, नो कॉन्टेस्ट। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड और ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इस सब में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही अपने कमेंट्स और अपने इम्प्रूवमेंट टिप्स भी मुझे कमेंट करते रहे। और हिंदी कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर आप अगली कॉमिक कौन सी देखना चाहेंगे ये भी मुझे कमेंट कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।